अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नोमिस्ट। मैं हूं आपका टीचर रजा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज काई स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे काई स्क्वायर होता क्या है। काई स्क्वायर इज द टेस्ट टू चेक द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स वेदर दे आर एसोसिएटेड और नॉट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम जो कि बंदों की खसूसियात या किसी भी चीज़ की खसूसियात जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना की जा सकें, एक वेरिएबल होता है, एक एट्रीब्यूट्स होता है, तो उनका आपस में रिलेशन चेक करना, क्या उनका आपस में कोई ताल्लुक है भी या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज काई स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ एफ नॉट माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ई, वेयर इज एफ नॉट जो होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एफ ई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये आगे चल के देखते हैं कि ये क्या होती है। अब इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर लें बेहतरीन तरीके से तो आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। पहला स्टेप क्या है? स्टेट द नल हाइपोथेसिस। एच नॉट से इसे डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? हम कोई भी एक स्टेटमेंट देते हैं और उसमें लिखते हैं कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने क्या लिखना है जी? द एट्रीब्यूट्स आर नॉट एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड दीज आर इंडिपेंडेंट। हर क्वेश्चन में के स्टार्ट में आपने ये वाली स्टेटमेंट लिख देनी है कि नॉट एसोसिएटेड। नल हाइपोथेसिस कि हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वाली स्टेटमेंट ऐसे है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा स्टेप है चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। या तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है 5% है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको तफसील सुधाऊंगा, तो 5% है तो 0.05 हो जाएगा, लाइक 5 डिवाइड बाई 100। तो इस तरह कर, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उसको एज्यूम कर लेते हैं 5%। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टेटिस्टिक अंडर द नल हाइपोथेसिस इज, वो वाला फार्मूला आ गया जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी एंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करनी होती है। देन क्रिटिकल रीजन है। अब क्रिटिकल रीजन क्या है कि वो वैल्यू कहाँ पर पाई जाएगी? उसका पहला स्टेप डिग्री ऑफ फ्रीडम आर सी, कोड याद रख लें आर सी, नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम -1। इस तरह करके हम फिर टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आगे चल के एग्जाम्पल की मदद मतलब से सीखते हैं। आखिर में कंक्लूजन लिखना होता है, छठा स्टेप। अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर कैलकुलेटेड वैल्यू मींस कि जो हम कैलकुलेट करेंगे ये क्या है आगे आपको समझ आ जाएगा, इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर टेबुलेटेड वैल्यू, तो हमने रिजेक्ट कर देना नल हाइपोथेसिस। अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर कैलकुलेटेड लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वेयर टेबुलेटेड आ जाए तो हमने एक्सेप्ट कर लेने नल हाइपोथेसिस। ये वाली स्टेटमेंट आगे आपको एग्जांपल में आसानी से समझ आ जाएगी टेबुलेटेड वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड क्या है। एक क्वेश्चन करते हैं जी, डिस्कस द एसोसिएशन अमंग 1000 स्कूल बॉयज बिटवीन द जनरल एबिलिटी एंड द मैथमेटिकल फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा यूजिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बी 5%। जो मैं आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह रहा था वो यहाँ पर देखें उसने बता दी 5%। ये अगर ना बताता तो हम इसको एज्यूम कर लेते 5%। अब एक तरफ ये क्वेश्चन गिवन है, मैथमेटिकल एबिलिटी गिवन है, और एक तरफ जनरल एबिलिटी गिवन है। मैथमेटिकल एबिलिटी गुड फेयर पुअर, इधर भी गुड फेयर पुअर, और ये जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन है इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। मतलब ये हमें नोन है, पता है, जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी, एफ नॉट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। पहला स्टेप, अगर क्वेश्चन के अंदर इनका टोटल मौजूद ना हो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों, पहली बात है क्वेश्चन के अंदर टोटल गिवन होता है ना हो तो आपने इनका टोटल कर लिया। देखिए टोटल मौजूद नहीं था, इधर भी एक टोटल का कॉलम बना लिया, एंड पर भी टोटल का कॉलम 44 + 265 + 41, ठीक है जी।
44, 22 plus 4, 72, 265, 257, 178, 700, 41, 91, 98, 230. और इधर भी टोटल आ गए, टोटल। और इनको ऐड करो तो भी 1000 आता है, इनको ऐड करो तो भी 1000। सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेना है टोटल गिवन है या नहीं है। अगर गिवन ना हो तो आपने टोटल निकाल लेना, उसके बाद वो 6 स्टेप अप्लाई करने। सबसे पहला स्टेप जो हमने पहले देखा था नल हाइपोथेसिस, हर क्वेश्चन में ये स्टेप आपने लाजमी लिखना है। देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जनरल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ये जो इस साइड पर गिवन होते हैं ये नाम, अगर ये आपको पता ना हो तो आप क्वेश्चन के अंदर लिख दें देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहे कि ये कौन कौन से एट्रीब्यूट्स, दैट इज जनरल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आर इंडिपेंडेंट, आगे क्या लिख देना होता है एंड दे आर इंडिपेंडेंट। पहले आपने लिख देना है कि नो एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स, अगर उनके नाम पता है तो अच्छी बात है, फिर आगे आपने लिख देना है कि इनके दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है और वो क्या है इंडिपेंडेंट। हर क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट आ जाएगी, पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ये 5%, ये आप देखें क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था 5%, 5% को सॉल्व करें 5/100 तो एग्जैक्टली आपके पास आता है 0.05। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड एक्स स्क्वायर सम ऑफ एफ नॉट माइनस एफ ई स्क्वायर ओवर एफ ई, ये आपके पास फार्मूला आ गया, इसको हमने सॉल्व करना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला, फर्स्ट कंप्यूट द एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी। अब ये इसके दो टेबल बनाने। अच्छा पहले हम इस तरह करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे, इन दोनों स्टेप्स को हम बेसिकली इकट्ठा कर रहे हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल आ जाएगा, तो ये वो टेबल जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में आपके पास टेबल गिवन है, हमने उनके टोटल्स निकाल लिए थे। अब इसी को देखकर एज इट इज हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टेबल ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद अब ये पहली वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, इधर से इसके कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई इसकी रो का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, ये देखिए इसके कॉलम का टोटल इसके रो का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। इसी तरह आप दूसरी वैल्यू जब निकालेंगे इसके कॉलम का टोटल इसकी रो का टोटल, चूंकि हम ये निकालना चाह रहे थे डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, अब तीसरी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इस कॉलम की, तो इस कॉलम का ताल्लुक इससे है इसके कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई इसकी रो का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, ये आ गए। अब अगले ये वाली वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं इसके कॉलम का टोटल इसकी रो का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, ये आ गए जी। अगली वैल्यू इसके कॉलम का टोटल इसकी रो का टोटल मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, आखिरी वैल्यू इसके कॉलम का टोटल इसकी रो का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। अब तीसरा ये वाली वैल्यू इसके कॉलम का टोटल इसकी रो का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, इधर से इसके कॉलम का टोटल इसकी रो का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, आखिरी ये वाली वैल्यू है इसके कॉलम का टोटल इसकी रो का टोटल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। इसी तरह हमने हॉरिजेंटल भी इसका टोटल कर लेना है और ये वर्टिकल भी टोटल कर लेना है, ये इधर से भी टोटल आ गया इधर से टोटल। अब ये वाला जो टेबल है इस टेबल को हम कहते हैं जी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है, और इस टेबल को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एफ ई और ये वाली फ्रीक्वेंसीज एफ नॉट। अब अगला टेबल हमने बनाना है टेबल वी कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज जो क्वेश्चन में गिवन है दीज आर आवर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, इस तरतीब से लिखेंगे पहले ये तीन वैल्यूज लिखें उसके नीचे ये लिखें उसके नीचे ये लिखें, ये पहले तीन उसके नीचे अगले कॉलम की तीन उसके नीचे अगले कॉलम की तीन। अब एक्सपेक्टेड जो है ये जो आपके पास
टेबल गिवन है, इसकी पहली तीन, फिर उसके नीचे ये तीन, उसके नीचे ये तीन, टोटल को कंसिडर नहीं करना, ये तीन, उसके नीचे तीन, उसके नीचे तीन। अब अगला कॉलम है एफ नॉट माइनस एफ ई, इस 44 माइनस 24.5, 22 माइनस 25.9, 4 माइनस 19.6, ये तीनों अपने इकट्ठे बना लेने। पहले इसका टोटल निकालेंगे, साथ ही उसका स्क्वेयर ले लें, साथ ही उसको एफ ई पे डिवाइड कर, ये तीन वैल्यूज, ये। अब इन्हीं वैल्यूज का स्क्वेयर लेंगे, यहाँ पर 19.5 का स्क्वेयर -3.9, माइनस का जब स्क्वेयर आता है प्लस, ये आपका स्क्वेयर आ गया। अब स्क्वेयर वाली वैल्यूज को एफ ई पर डिवाइड कर देना है, 380.25 डिवाइड बाई 24.5, 12.21 डिवाइड बाई 25.9 एंड सो ऑन। आपके पास अब बाकी कॉलम्स का टोटल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका टोटल करना है। अब ये चूंकि हमने कैलकुलेट किए हैं, ये हमने कंप्यूट किए हैं, खुद निकाली है, इस वजह से इस आंसर को हम कहते हैं कैलकुलेटेड और कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वेयर। अगला स्टेप पांचवा, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोज -1, कॉलम -1, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था जब स्टेप्स देख रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन है, टोटल को निकाल कर, टोटल कंसिडर नहीं करना, एक रो, दो रो, तीन रो, कॉलम कितने, एक, ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम। थ्री माइनस वन, वन फार्मूले का है और ये वन फार्मूले का है, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ काई स्क्वेयर, ये अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ब्रैकेट में लिखा जो क्वेश्चन में गिवन था 5%, कॉमा ये 4 लिखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 9.49 कैसे आया, ये टेबल से आया, इसको टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ, टेबल टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वेयर। अब ये मैं आपको बताता हूँ, 0.05 और 4, ये टेबल देखिए, ये आपको पास पेपर में या तो टेबुलेटेड वैल्यू गिवन होती है, ना गिवन हो तो आप टेबल साथ लेके जा सकते हैं, नहीं तो एग्जामिनर से आप टेबल कॉल भी कर सकते हैं, मुझे आप एग्जामिनर को कहें कि मुझे ये टेबल दें। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 था, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 मीन्स इस रो में हमारा आंसर हो, और उधर से 0.05 था, तो ये 9.48488 49 करती है। द क्रिटिकल रीजन इज एक्स स्क्वेयर कैलकुलेटेड, वो जो पीछे क्वेश्चन में निकाला 69 पॉइंट समथिंग आया था, ये 69.1485, वो ग्रेटर देन 9.49, ये जो टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ा है। अब कंक्लूजन, उसी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को हमने स्टेटमेंट में लिखा, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 69.1465 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर टेबुलेटेड वैल्यू, मीन्स को 69 उससे क्या है, बड़ा है। अब एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अगर कंप्यूटेड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होगी तो हमने क्या कर देना है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देना। नल हाइपोथेसिस जो क्वेश्चन का पहला स्टेप था, हमने कहा था देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जनरल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, तो हमने कहा दस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। उधर हमने लिखा था ना कि जब उसने स्टेटमेंट को हमने नल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उस स्टेटमेंट को उलट लिख देना। उधर लिखा था ना देर इज नो एसोसिएशन, यहाँ हमने लिख देना देर इज एसोसिएशन बिटवीन जनरल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, और उधर हमने कहा था ना दे आर इंडिपेंडेंट, अब हमने लिखना है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये मैं इससे आगे लिख लीजिएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ पीछे। ये अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, वो जो हमने कैलकुलेट की कंप्यूट की, वो बड़ी हो, टेबुलेटेड वैल्यू जो टेबल से देखी, तो हमने रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी हो या बराबर हो टेबुलेटेड वैल्यू पे, तो हमने एक्सेप्ट कर लेना है नल हाइपोथेसिस। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, ये जो पहली स्टेटमेंट लिखी थी, ये हमने लिखा ना देर इज नो एसोसिएशन, अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो हमने आखिर में क्या लिख देना है, देर इज एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स
एंड दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इधर लिखा है ना दे आर इंडिपेंडेंट, हमने लिख देना दे आर नॉट इंडिपेंडेंट या दे आर डिपेंडेंट। अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे फिर हमने यही स्टेटमेंट एज इट इज उतार देंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अगर किसी किस्म की आपकी कोई कन्फ्यूजन होती है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।